हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मेरा ये एपिसोड नंबर 2 है। डेट है, कल के बारे में बात करेंगे। 3rd ऑफ मार्च आज की डेट है। तो हम आज का एपिसोड ना बना मतलब आज आपका एपिसोड बना है कि कल क्या क्या करना है, कल कौन सी रडार पे रखनी है स्टॉक्स को, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे, वो सब चीज़ें हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहले एपिसोड नंबर 1, यानी कि हमने जो कल दिया था 11:30 बजे रात को आप लोगों से शेयर किया था एक वीडियो, एक छोटा सा 5 मिनट का, उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सर, मैंने मारुति निफ्टी बोला था, निफ्टी 11,247 के ऊपर तेज है। फ्राइडे भी चिक चिक के चिल्ला रहा था, थर्सडे भी चिक चिक के चिल्ला रहा था, सिर्फ बाई करने का सोचो। डोंट थिंक लाइक अ रिटेलर्स, थिंक लाइक अ बिग शार्क, राइट? हमारा जो कॉन्सेप्ट है, लो पे सिर्फ बाई करने का सोचो, टॉप पे सिर्फ ठोकने का सोचो, उसी कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको बोल रहा था। बाई करो, बाई करो, बाई करो, रिजल्ट आपके सामने मेरे भाई। निफ्टी फायर 11,247 से 11,418 का हाई, ठीक है? इवन और हाई गया था, मैंने एक अपडेट किया था ये मार्केट आवर्स के टाइम में, 2:22 तक अपडेट किया था, वो चीज़ है, ठीक है? मारुति फायर 6,163 से 6,439 का मैंने लेवल दिया था। कल भी मारुति बोला था क्लियर कट बाई करने का, जिसको अगर प्रूफ चाहिए मेरा टेलीग्राम का कल का वीडियो, मेरा टेलीग्राम में भी कल का वीडियो डाला हुआ है, वो देख लीजिएगा। एशियन पेंट दिया था 1810 के ऊपर, बाई बोला था 1837 का हाई। बालाकृष्ण इंडस्ट्री बोला था, डार्लिंग स्टॉक है बॉस, पकड़ के रखो, 1108 के ऊपर 1155 का हाई। आइशर मोटर क्लियर कट 2-3 दिन से चिक चिक के चिल्ला रहा था, फेवरेट स्टॉक है मेरा, डार्लिंग स्टॉक है, इसके ऊपर मेरी पोजीशन हो सकती है एज एम सभी रजिस्टर्ड। और वो भी आप देख लीजिए सर, जहाँ से फ्राइडे से हमने बोला था वो तेजी आई। Naukri.com फ्राइडे को बोला था, वो तेजी आई। आपके सामने पॉइंट्स है, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। फोर्स मोटर बोला था, वो तेज है। बजाज फिनसेवर, वो तेज है। इंडिगो, वो तेज है। एक्सिस 4 पॉइंट की मूव इंट्राडे में आई थी, लेकिन उसके बाद फिर कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, हम लोगों ने एग्जिट कर दिया आज प्योर, राइट? सो एक दिन में जो प्रॉफिट कमाया, आप खुद कैलकुलेट कर दीजिए, आपको समझ में आएगा। बाकी ये मेरा एल्गो का प्लेटफॉर्म है, और ये लोगों ने जो कमाया पैसा 2,29,000 रुपये IGL और मतलब जो भी स्ट्रैटेजीज आप लोगों को दी है। तो कम टू द पॉइंट, जो भी कल मैंने 4 रिकमेंडेशंस दिए थे SRF को छोड़ के, बाकी मारुति, एशियन पेंट एंड वन मोर बालकृष्ण इंडस्ट्री, तीनों के तीनों रॉकेट बने। अब लोग बोलेंगे सर ये तो ऐसा था वैसा था। सर, एक एपिसोड से जज नहीं करो, देखो आप एपिसोड। ये आप लोगों ने बनाया जिससे कि एक छोटे से छोटे प्लेयर की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प हो सके, किसी को किसी के टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। ओके, सो आ जाइए, कम टू द पॉइंट। सो एपिसोड नंबर 2, कल के लिए कौन से स्टॉक्स को रडार पे रखना है, किन पे काम करना है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो निफ्टी फ्यूचर्स जो ये लेवल्स है, 11,170 इज ए लक्ष्मण रेखा, कल के लिए जो काम करेगा 11,170 का वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। यस, इफ क्रॉस दिस लेवल इट विल जूम टू किस 11,247, 11,244। बार बार मेरे लेवल्स चेंज नहीं होते, कल भी यही लेवल्स देते हैं, आज भी यही लेवल्स दे रहा हूँ, आप देखिएगा। देर आफ्टर मोर फायर वर्क्स, अगर 11,270 के ऊपर क्लोज देते हैं और उसके बाद सर 11,347, 11,370 का भी लेवल जाएगा ये, ध्यान रखिएगा। मार्क माई वर्ड, फ्रॉम अपसाइड यू विल सी प्रेशर, अपसाइड आएगा, प्रेशर आएगा, फिर अपसाइड बाउंस बैक देगा, प्रेशर आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। बट इट शुड बी अ टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए होता है, जब क्योंकि कोरोना वायरस का इफेक्ट आपको पता है, राइट? जैसे ही आज मार्केट का गिरने का रीजन क्या था, नोटिस किया किसी ने? जैसे ही मार्केट में एक न्यूज़ फ्लैश हुई, दिल्ली में और तेलंगाना में 2 पेशेंट्स पाए गए हैं कोरोना के वायरस के बेसिस पे, मार्केट देखो क्या 1 घंटे के अंदर क्या लो मारा है। एक जो मार्केट 1.5-2% प्लस में थी, अचानक से -1% हो गई है। दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, तो ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड विद स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस डोंट नेवर एवर एंटर इनटू द मार्केट। ये आप गांठ बांध के सुन लीजिए, चाहे आप कितने बड़े प्लेयर हो, स्टॉप लॉस के साथ काम करना ही करना है अगर आप इंट्राडे खेल रहे हो तो। क्रूशियल सपोर्ट 11,127, 10,890 लेवल, ध्यान रखिएगा। एट लोअर लेवल डोंट पैनिक, ये लेवल आ सकता है, इस पर पैनिक नहीं होना, आपको सिर्फ बाई करने का सोचना है। कब बाई करना है आप टेलीग्राम मेरा जुड़े रहिए, मैं वहां पे अपडेट कर दूंगा। सपोज, लॉजिक बता रहा हूँ सर, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना। सपोज इफ ओपन अराउंड 10,970, 10,927, देन बाई आफ्टर 10:45। टाइमिंग का स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा लॉजिक होता है, लोगों को पता ही नहीं है टाइमिंग क्या होती है, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, दुनिया बात करती है ये मैंने दिया, ये लेवल्स दिया, 4-5 लेवल्स तो सर मैं भी दे सकता हूँ ना, बट टाइमिंग इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अगर इस लेवल पर खुलता है और बाइंग आफ्टर
तो आपको बाई करना 10:45 के ऊपर, कीप इन टच इन माई टेलीग्राम, ओके। चलिए बैंक निफ्टी की बात करता हूँ। बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है आपके सामने है, बैंक निफ्टी फ्यूचर अबव 29,030, 29,030, बाई विद स्टॉप लॉस 29,870, स्ट्रिक्टली फॉलो द स्टॉप लॉस। सपोज ओपन बिलो 28,560, क्योंकि कल हो सकता है गैप डाउन भी खुले और फ्लैट भी खुल सकता है, तो कल देखने की उम्मीद है सुबह क्या होने वाला है, तो मैंने इसलिए आपको दोनों लेवल्स दिया है। सपोज ओपन बिलो 28,560, देन विल स्लाइड अप टू 28,320, 28,100, 400-500 पॉइंट गिरना मॉर्निंग में कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा इस लेवल को। यस, मेक एट स्ट्रैटेजी, कुछ स्ट्रैटेजी है, फॉलो करो स्ट्रैटेजी को। बैंक निफ्टी शोइंग वीक, लेट्स सी विच बैंक विल शट डाउन, शट अप, ओके। देखते हैं कौन सा बैंक कल खतरनाक गिरेगा या फिर बुरे दिन कल उसके चालू रहेंगे, ओके। चलिए अब मैं रिकमेंडेशंस की बात करूंगा स्टॉक्स की। निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स दे दिया, अब मैं स्टॉक्स की बात करूंगा। तो मेरा पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। यस, डोंट पैनिक, दिस इज आवर भीष्म पितामह। इसके अंदर भीष्म पितामह है, आप थोड़ा सा फॉलो करेगा, यही बचाएगा अगर आपको, निफ्टी अगर बचाएगा तो यही बचाएगा। तो ये भीष्म पितामह का कल रोल इंप्लॉय करेगा, तो इस पर रडार पे रखिएगा रिलायंस को। आर यू इंटरेस्टेड टू सेल? आप इंटरेस्टेड हो सेल के लिए? नो, विल बाई एट ओपनिंग बेल। हम बाई करने वाले हैं एट ओपनिंग बेल पे, इफ ओपन फ्लैट और 1% अबव और बिलो फ्रॉम टूडेज क्लोजिंग, देन वी विल बाई। अपसाइड टारगेट 1347-1359, क्लियर रखिएगा चीज को। कैनरा बैंक सेकंड स्टॉक, आज मैं तीन स्टॉक देने वाला हूं, ये सेकंड स्टॉक है कैनरा बैंक। ग्रैप एट ओपनिंग बेल एंड सिट रिलैक्स विद स्टॉप लॉस 130, गो लॉन्ग इफ यू कैन, गो लॉन्ग इफ यू कैन। पोजिशनल ट्रेड भी बता रहा हूं, इंट्राडे भी बता रहा हूं, कुछ बड़ा इसमें दिख रहा है इसलिए मैंने बोला गो लॉन्ग इफ यू कैन। तीसरा स्टॉक लास्ट है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी क्या है? यस, बाय एट ओपनिंग बेल, कहीं भी ओपन हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाई करो, 2% का एसएल लगाओ और छोटी क्वांटिटी में बाई करना, क्योंकि हमारे टारगेट्स बड़े होते हैं, छोटे में काम करोगे बड़ा मिलेगा। हम दूसरों की तरह नहीं है, 2-4 रुपए, 10 रुपए का टारगेट पे काम करते हैं। सॉरी गाइस, बिलीव मी, यू जस्ट फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, यू विल सी माय लेवल्स। ट्रेड बिंदास बट विथ छोटू स्टॉप लॉस के साथ होना चाहिए, कीप इन माइंड, राइट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपको लग रहा है कि हाँ वाकई में कुछ चीज़ें मिल रही है आपको, एक हेल्प हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट में, सब दुआ में याद रखना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाकी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस।